हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकिंग हिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी यानी पालक के साग। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 500 ग्राम पालक ले लिए हैं। इसे अच्छी तरह से दो तीन पानी वाश कर लिए हैं, उसके बाद इसे बारीक कट कर लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इससे बहुत ही सारे धूल मिट्टी रहते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ इसके डंठल भी लिए हैं, जो सॉफ्ट डंठल है वो भी ले लिए हैं, और बाकी एक पत्ते आप ले लें। तो यहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से फ्रेश करने के बाद इसे साइड करते हैं। यहाँ पे कुछ हम मसाले लिए हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं ये, इसका हम छिलका उतार लिए हैं। और यहाँ पर आप नॉर्मल चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं उस चम्मच से हम 2 चम्मच सरसों दाने लेंगे, पीली वाली ये सरसों है। और यहाँ पे हम 4 लाल सूखी मिर्च लेंगे। तो इन्हें का जो डंठल है वो साइड करेंगे मिर्च का, और इन तीनों मसाले को एक मिक्सी जार में रखकर ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी रख दे 2-3 चम्मच, और फिर इसका पेस्ट तैयार कर ले। तो अब इसे भी हम साइड कर देते हैं, और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम लगभग 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 1 चम्मच मेथी दाने ऐड करेंगे, और यहाँ पे 2 लाल सूखी मिर्च ऐड करेंगे। सूखी मिर्च को आप तोड़ दें 2 भाग में, तब ऐड करें। तो जब ये मसाले कुछ कुक हो जाए यानी इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाले हम ग्राइंड किए हुए थे उसे ऐड करना है। तो यहाँ पे मसाले को ऐड करेंगे और 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पर हम मसाले को तब तक भुनेंगे जब तक इसके ऊपर तेल तैरते हुए दिखाई ना दे। तो यहाँ पे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे अच्छी तरह से इसे आप भुनेंगे। तो यहाँ पे हमें चलाते हुए गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम करके मसाले को भुनना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले के ऊपर हमें तेल तैरते हुए दिख रहे हैं, और अब इसका कलर भी पूरी तरह से रेड हो चुकी है यानी मसाले भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक, जिसे हम बारीक कट किए हुए हैं उसे आप इसमें ऐड करें अब। तो यहाँ पे आप पालक को ऐड करते रहे हैं, और अच्छी तरह से हम चलाएंगे। अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी चलाने में, लेकिन जब आप इसे सॉफ्ट होने दें कुछ, तब आप इसे इजी से चला पाएंगे। तो अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, गैस का फ्लेम हाई कर दें। तो यहाँ पे बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए पालक सॉफ्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे पानी भी बहुत सारे आ चुके हैं पालक में से। तो इसे हम अच्छी तरह से ऐसे ही चलाएंगे। तो इसे और भी सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप यहाँ पर स्वाद अनुसार ऐड करें। तो हम यहाँ पे लगभग 1 चम्मच ऐड किए हैं नमक, और हम इसे चलाकर फिर से कवर करेंगे। इसी प्रोसेस में हमें लगभग 7 से 8 मिनट तक इसे कुक करना होगा। फिर चलाएं, फिर कवर किए, फिर चलाएं, यानी इसमें का जब तक का पानी जो है पालक का वो पूरी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाए यानी कि सूख नहीं जाए, तब तक हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पे लीजिए अब हम फिर से कवर कर देते हैं, और फिर से हम 1 से 2 मिनट के बाद देखेंगे। तो ये देखिए पालक में बहुत ही अब कम पानी बचा हुआ है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसे छलनी से या फिर कलछे से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो आप दाल मथनी जो होता है, दाल मथते हैं उससे भी आप इसे इस तरीके से मथते, ताकि जो भी मोटे मोटे डंठल हो या फिर पालक हो पूरी अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे मथनी से
मथ दे रहे हैं, यानी इसे सॉफ्ट कर दे रहे हैं। तो ये लीजिए, मथ दिए बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत जो बचा वो छलने से भी इसे इस तरीके से करके हम पालक को ड्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे हमें सुखा लेना है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा सा भी पानी नहीं है, तो इसे आप सर्व कर सकते हैं यानी खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, पालक तो ऐसे भी आयरन से भरपूर होती है, तो आप इसे रोटी चावल के साथ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।